तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो यार एक चीज़ है, कई सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मैंने कमेंट्स भी पढ़ते हैं, मेल के भी आंसर करने का कोशिश करता हूँ मैं, कि सबके सब का आंसर करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चलती हैं इन सब टाइम्स में। तो पेनिस ब्लीडिंग मतलब कि आपका अगर फेनुलम ब्रेक हुआ है व्हेन यू हैव लूज योर वर्जिनिटी, मतलब आप वर्जिनिटी लूज करने के बाद आपका फेनुलम ब्रेक हुआ है, और यहाँ से जो स्किन आपका अटैच करता है वो अगर ब्रेक हुआ है, तो आपका पेनिस है डेफिनेटली ब्लीड करेगा। लेकिन अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कितना दिन ब्लीड करता है। देखो, उसका कोई दिन नहीं होता, ये कुछ घंटे का बात होता है कि थोड़ी देर आपको ब्लीडिंग होता है और उसके बाद वो ब्लीडिंग रुक जाता है। हाँ, पेन जरूर होता है, लेकिन वो पेन और ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाता है एक आध घंटे के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस वहाँ से मतलब ब्लीडिंग चलते रहेगा चलते रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली तुरंत भागो डॉक्टर के पास। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 1 घंटे में के अंदर ब्लीडिंग आपका रुक गया, धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रहा है और 1 घंटे तक में रुक गया, स्वेलिंग नहीं आया, या कि फिर आराम से आप फिर से कंफर्टेबल हो, थोड़ा पेन तो रहेगा ही रहेगा बट बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले कि अगर आपका ब्लीडिंग हुआ है, आप इंजरी देख सकते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, आप हल्का वाटर से बस रिंस करना है। ऐसा नहीं कि पानी में डुबो दो अपने पेनिस को, नहीं, हल्का सा वाटर से रिंस करना है, मतलब धोना है उस एरिया को, और कोई एंटीबायोटिक क्रीम अगर आपके पास है तो आप लगा के उसको थोड़ा सा पट्टी कर लो, पट्टी टाइप, समझ रहे हो, कोई भी मतलब साफ कपड़े से, अगर आपके पास पट्टी नहीं है, है तो अच्छी बात है, साफ कपड़े से थोड़ा देर रैप कर लो और वो ब्लड सोक करने दो। हाँ, अगर ब्लड ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत पूरा कपड़ा ही आपका पट्टी ही लाल हो गया, मतलब आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब रही बात की, कई लोगों ने पूछा कि मैंने पहली बार किया तब भी हुआ, दूसरी बार किया तब भी हुआ, तीसरी बार किया, तो देखो ऐसा नहीं है कि ये एक बार में पूरा ब्रेक होता है, तो हर बार आपको हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा ब्लीड हो, थोड़ा थोड़ा आपका स्किन जो है वो ब्रेक हो। तो ऐसा नहीं है, ये कोई इंजरी आपका कॉमन इंजरी जैसा ही है कि हल्के स्क्रैच आ गए, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, वैसा ही इंजरी है, ठीक है। बस उसको आपको केयर करना है, मतलब बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनना है, टाइट जीन्स पहन लिया आपने और बहुत टाइट अंडरवियर पहन लिया जिससे और उस पे प्रेशर आ रहा है, नहीं, उसको थोड़ा सा लूज कपड़ा पहनो, रिलैक्स रखो, एक पट्टी रखो, एंटीबायोटिक क्रीम लगाओ और पानी से धोते रहो, पट्टी को डेली चेंज करते रहो, मतलब हो सकता है कि वो इंजरी 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाए ठीक होने में, ठीक है। तो ये एक बार का प्रोसेस है। अब रही बात कि कंटिन्यू ये हो रहा है, जैसे कि आपका 3 बार हुआ 4 बार हुआ, आपको समझ में आता है, लेकिन आप जितने बार आप सेक्स कर रहे हो या मास्टरबेट कर रहे हो उतने बार आपका ब्लीडिंग हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 3 से 4 बार हुआ ठीक है, और 1 दिन में, अगर 2 दिन में वो ठीक हो जा रहा है, 3 दिन में ठीक हो जा रहा है, तो ठीक है, उसमें फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो दिक्कत है। अब रही बात कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, फर्स्ट एक एक्सेसिव ब्लीडिंग, दूसरा मैं बताता हूँ, अगर आपके यहाँ पे जो कट हुआ उसमें इन्फेक्शन हो गया, या आपके पस बनने लग गया, या आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, गंदा सा थोड़ा सा वो स्मेल टाइप अगर वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, और या कि फिर आप बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेट कर रहे हैं, मतलब बहुत बार आप पेशाब जा रहा है, या कि फिर पेशाब करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर यहाँ से बढ़ा तो वो इन्फेक्शन आपके पूरे पेनिस में भी फैल सकता है, तो बेटर है उसको यहीं पे रोक दे। अब ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें तुरंत सर्जरी करना पड़ जाएगा, अब सर्जरी के नाम से ही हर चीज़ मिलता है, सर्जरी नहीं होता है, कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स होते हैं जो डॉक्टर देते हैं, हो सकता है आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं और आपको पट्टी करने का सही तरीका बताएंगे, कैसे उसको साफ करना है, कैसे उसको केयर करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो डिपेंड करता है ना आपका इंजरी, आपका सिचुएशन पे, तो मैं उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकता, इसलिए उस केस में डॉक्टर के पास जाओ। और हाँ, यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाओ तो अच्छा है। आप अगर आपके पास यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, आप जनरल फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब रही बात कि जो ये बोलते हैं, कई सारे लोगों को इतना कन्फ्यूजन है कि मतलब बहुत डर लगता है कि ये करूँगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम सेक्स ही नहीं कर रहे हैं, कई लोगों ने बोला कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ इतना डर लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, आपको भी इससे एक बार तो गुजरना पड़ेगा, तो एक बार करो ठीक है, उसका ध्यान रखो, सही हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पेनिस ब्लीडिंग से रिलेटेड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है,
नहीं करना है मतलब पता है आपको, टाइट कपड़े नहीं पहनना है, उसके बाद उसका ध्यान रखना है, साफ़ रखना है, कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, कंटिन्यू तुरंत आप सेक्स करने मत जाओ, और जब नेक्स्ट टाइम करो तो बेटर है कि कॉन्डम ये सब यूज़ ना करके एक वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट ही यूज़ करो।